कलेजी छोरी इसका काट के जा चुकी है। कौन है कलेजी छोरी, तुम्हें पता है कलेजी छोरी प्रांजल भैया है। हाँ। ओ भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा पागल हो गया है या ये सांड पागल हो गया है कपिल है? कौन सा पागल हुआ इनमें से? आदमी पागल, आदमी तो है ही पागल यार। भाई इसको मारने भाग रहा है वो। चाचा का था होगा, चाचा यहाँ तो भाई सामने पड़ा होगा लेकिन फिर भी नहीं उठा होगा। तो चाचा विधायक हमारे, उसमें बोल जो बोल रहा है इधर देख के। भाई चाचा का फोन उठाने की बात करिए, पर हम चाचा के सिक्योरिटी गार्ड हवलदार रोहित। चाचा को उठाने की बात, चाचा का तो उठा भी ना पाएगा तू क्या। हाँ भाई तीसरा पैर तो सर भाई, भाई शौक ही नहीं यार। जोर से बोलना भाई, अभी रोहित भाई आया मेरे पीछे, जैसे वैसे कर देते हैं, डरा देते हैं, तो जैसे इंसान आते हैं मतलब। तो भाई कह रहा डर गया क्या, मैंने कहा नहीं, मैं सोच में पड़ गया कि ये कुत्ता ऊपर कैसे आ गया। लेकिन कुत्ते बिल्ली भी ऊपर आ सकते हैं दो टांगों पे चल के। भाई मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे पास ना मतलब मेरे ऊपर 307 लगने वाली है, क्योंकि इस कुत्ते को यहाँ फेंकूंगा सरियों के ऊपर। ये जो कुत्ता दांत दिखा रहा है भाई, कैसे फेंकोगे खुद को? कैसे फेंकूंगा भाई, वो मेरे ऊपर छोड़ दे भाई। ये लड़की इतनी मतलब ये ऊपर गई थी तीसरे फ्लोर पे, और भाई हमारे कपड़े नहीं लाए, अपनी बैग अपना ही बैग उठा लाई बस। यू भिखारी तेरे बगल में बैठा है ने, प्यार ते तो कही तो थे। पति क्या कह रहे हो? अरे अनपढ़ कापड़ रहो तू। हाँ बताओ। चुपरा बी फार्मा डी फार्मा कर रहा हूँ, ज्यादा भी ले आओ। अब तू एसडीएम बन गई, अमीर बन गई ना अब तू। बहुत पैसा ले बताओ ना। ये छोटू किसका बेटा है यहाँ पे? बेटा आप किसके हो? खो गया यार, खो गया हूँ। सेक्टर में खो गए हो क्या आप? यहीं बिठा लिया पकड़ के। बताओ आप एड्रेस बताओ आप। ये रहता डबुआ की मंडी में, ये रहता डबुआ की सड़ी मंडी में, मंडी में डबुआ की सड़ी मंडी में। पहले कॉपीराइट मत लगवा यार, कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं तो। कर लो ये, कर लो। इतना गंदा ब्लॉग एडिट करता है, खुद तो गौरव दिखा तो उसे कालो बना दे, और मैं तो 10 गुना सुंदर हूँ यहाँ पे। जो भुंडे हो गए वो भुंडे लगे, बात तो सही है। जस्ट लाइक गाइस इसे कमेंट में गाली देना सोनिया सिद्धू मेरी तरफ से। बात तो सही है। वो है राम राम जी, बना ले भाई लेमन टी बना दे भाई, लेमन टी पी लेते हैं। भैया यू आदमी फ्री का सामान, कॉफी वाले, ओ कॉफी वाले, ये आदमी फ्री का कुछ भी नहीं छोड़ता, ये झूठी टॉफी तक खा लेता है हमारी बस फ्री के चक्कर में। प्यार है भाई प्यार। थैंक यू देख रहे हो, सबर तो यहाँ ना हो, गरम गरम फूकेगी जीभ है। ये रहा कंटेंट मेरा, इसे मेरी वजह से व्लॉग का कंटेंट मिल जाता है, इसलिए कहता है मैं इसे डेली शूट पे आया कर, डेली शूट पे आया कर बस व्लॉग के चक्कर में। रोहित में आना चाहिए ना भाई, वरना इसको थिएटर करना पड़ जाएगा। वही मैं इसे बोल रहा था। अच्छा यार चल देख, ना तो शायद मुझे जानता, अच्छे से तुझे जानता, मतलब वो देगा ना जेन्युइन रिव्यू, इसकी एक्टिंग के रिव्यू दे, आग दिखा रहा है, आग दिखा रहा है। अरे रोहित भाई तो बहुत अच्छा है। हां भाई बना दे, सच सच बता दे, वो हमारा चाय बनाने वाला था। रोस्ट रोस्ट मार दे, रोस्ट मार दे। क्या उसको रोस्ट मार दे ना, ये हुए पड़े क्या मार दे, दोबारा मार यार। कल इस देखते हैं क्या, कल तेरे को रोस्ट मार दे इस व्लॉग में आज तू। अच्छा देखा नहीं यार भाई, मुझे रोस्ट मार दे, बहुत बड़ा रोस्ट हो रहा है हमारा।
खरीद लिया रोहित भाई ने मेरे को, मेरा ईमान खरीद लिया यार। और कुछ और कुछ बोलना चाहते हो? जो ईमान बेचते हैं हमारी टीम में, ऐसे लोगों की जगह नहीं यार। मैं तो भाई काहे की, अगर हम तेरे रुपए उल्टा सीधा जनरल रिव्यू दे तो तू घर जाकर काट देगा अकेले, तो क्या एडिट तो कोई करेगा? बिल्कुल नहीं, पर ये तो बिना एडिट के ब्लॉग डाल देगा। मुझे एडिटिंग आती नहीं है तो मैं एडिट क्या ही करूंगा भाई, ब्लॉग में जो है वो है। बस इसके अच्छे लगाने थे पी पी, जहां पे गाली देता बस। गाली तो मुझे आती नहीं यार, गाली नहीं आती। नहीं तो यहाँ देख ना, दिख गया भाई कपिल भाई तेरा बदन दिख गया। 100 रुपए पर वीडियो मैं कर दूंगा एडिट तगड़ी। और बता भाई, मुझे करवानी नहीं है भाई, हम ऐसा कुछ झूठ बोलते नहीं है। हमेशा और कुछ आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ आप कुछ बोलने लायक रहे नहीं हो। यार के ब्लॉग में नायक थूक को सब स्वाद में भी बना बना के डाले जा रहा। गाइस इसको मैं कट कर दूंगा, कट कर दूंगा। इतनी तो एडिटिंग आती है मुझे। A few moments later. अरे अरे आप बहुत अच्छे हो, अरे गाना भी तो करना है मुझे इसके साथ, आप बहुत अच्छे हो। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं रोहित भाई। हाँ भाई। मैं तो ये सोचता हूँ कि आजकल फर्जी ब्लॉगर भी इतना। क्या बोला तूने? आजकल फर्जी ब्लॉगर भी इतना। टिंकू भाई आगे से उठा के चलाओ। अच्छा तुम्हें आता क्या है वैसे? वुमेन लेकिन जो वो तेरा काट के जा चुकी है उसका क्या? उसका गम मैं सह तो रहा हूँ। म्यूजिक कलेजी छोरी, कॉफी पी रहा हूँ। कलेजी छोरी इसका काट के जा चुकी है। कौन है कलेजी छोरी? तुम्हें पता है कलेजी छोरी प्रांजल भैया है। हाँ थंबनेल दे दिया तूने। मेरी फोटो लगाइयो जल्दी यूज करेंगे। तेरा भी कच लगाना होगा मेरे ब्लॉग में, मेरी भी जति। चलो तो मिलते हैं भैया, कल तो बिजी हैं। आजा भाई, अपनी लाडो भी हमारा इंतजार कर रही है। ये बोल रही है मेरे ऊपर बैठो और मुझे खींचो। कैसे खींचना है? ये मीटर खींचना है हमें, कुछ और नहीं खींचना। बदतमीजो, गलती सोच है तुम्हारी। भाई उन्होंने तो अभी कुछ सोचा ही नहीं है काम का, ये तो जब तुम डालोगे तब सोचेंगे भाई। वो सोच के बैठे हैं वो तो। तू बालक रह गया, तेरी दाढ़ी ना आई ना अभी, एक बार बालक रह गया। तेरे पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। बकचोदी भाई बाइक चला। घर पहुंच के हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, वाइट टी शर्ट पहनी है, इसमें बहुत ही मलूक लग रहा हूँ मैं। ओहो माय गॉड। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं हेयर कट लेने अपने भाई के साथ, राहुल भाई आ रहे हैं तो थोड़ी दाढ़ी वगैरह सेव करवा लेते हैं यार, बंदे बन जाते हैं, हैवान बने पड़े हैं तो अच्छा लुक ले लेते हैं, एक प्यारा सा लुक। ठीक है, बाकी फिर आपको हेयर कट के बाद मिलते हैं हम। चल भाई, ये कमाई थी भाई, ये तो पीछे होना भाई, फ्रेम में नहीं आ रहा तू प्रॉपर, चेहरा ही चेहरा। गेम में मैं ही आया था। अरे चाबी पकड़, गाड़ी चला। तूने तो दिखा दे भाई, बहुत टाइम बाद तेरे स्कूल वाले देखने लगे मेरा व्लॉग, फिर वो देखेंगे याद करेंगे। तेरे स्कूल ना, तेरे भी स्कूल। हां सेम स्कूल, दोनों मिली ना जर्सी पर। कोई ना बाबू, गेम थोड़ा बेहतर होता तो भी दिलवा देता। टाइगर से मिल लो, इससे क्या मिलाऊं तुम्हें। टाइगर ये सुनता नहीं है पर मेरी मोटरसाइकिल चला नहीं, गुद्दी पे दंगो दो पे तत्तर आ देंगे। चल मैं ले ले दे बस। मलूक अल्लाह गुरु जी को फोन आ रहा है। मलूक बस बस, कैसा लग रहा है गाइस? मेरा हेयर कट बढ़िया लग रही है, दाढ़ी बियर्ड वगैरह सेक्सी लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ? कमेंट में आग भर दो, आग। क्या हो? कटने लायक तुम हो ही, कटने लायक। कैसा लग रहा है? आजा तेरो भी ले लो अपनी। ना ना मैं बहुत, तेरा भी तो बनवाई है ना मैं। अरे मतलब आ तो जा भाई, तू भी तो मलूक लग रहा हूँ, बंद कर दियो इसको। ना करो आजा, बोले कि तेने बंद कर दियो इसको, तू चंट है ना। ना कोई बात नहीं,
मम्मी जी आ गई हैं। ले ले भाई दूध पी लो भाई। क्या ये इतना मेरो गिलास चलो तो और पीना तो और ले ले। तो गाइस कल मिलते हैं। बाकी आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। कल मिलते हैं। जय श्री राम। सभी भाई अपना ध्यान रखें।